सपने में मरे हुए पिता को देखना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ भी है और अशुभ भी, क्योंकि ये निर्भर करता है कि आपने अपने सपने में अपने पिता को किस अवस्था में देखा है और कहां पर देखा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप अपने सपने में अपने स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं तो कौन से शुभ संकेत होते हैं और कौन से अशुभ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वर्गीय पिता के सपने को लेकर हर ज्योतिष अलग अलग तर्क देता है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि अगर सपने में मृत पिता के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि पिता की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो जो उनके जीवन काल में पूरी ना हो पाई हो और वो आपसे निवेदन कर रहे हो कि उस इच्छा को पूरा करें। तो दूसरी तरफ कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि पिता आपको भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी घटना के संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि मृत पिता के दर्शन आपको सपने में तब तक ही होंगे जब तक आपके पिता को मोक्ष या दूसरा जन्म नहीं मिल जाता। स्वर्गवास होने के बाद अगर आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वो पुण्य आत्मा सीधा परमात्मा के चरणों में वास करती है और उनका सांसारिक दुनिया से हर रिश्ता टूट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर उस पुण्य आत्मा का दूसरा जन्म किसी दूसरी योनि में हो जाता है तब भी उनका और आपका संपर्क समाप्त हो जाता है। अगर अपने सपने में आप अपने मृत पिता के दर्शन करते हैं तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्म सही रखें और समय पर पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते रहें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सपने में मरे हुए पिता को देखना हमें क्या संकेत देता है। सपने में मरे हुए पिता को सफेद वस्त्र में देखना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफेद रंग शांति और शुभता का प्रतीक होता है, और अगर आपको सपने में अपने स्वर्गीय पिता के दर्शन सफेद वस्त्र में होते हैं तो ये इस बात का संकेत होता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कई सारी खुशियों का आगमन होने वाला है, जिस वजह से आपके मन में काफी उत्साह रहेगा और आपके जीवन में प्रगति और सफलता का आगमन भी होगा। इस सपने का अर्थ है कि आपके पिताजी आपको संकेत दे रहे हैं कि अभी तक जो निराशा और असफलता आपके जीवन में चली आ रही थी उन सब का समापन का समय आ चुका है और आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है, जिससे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन होगा और समाज में मान सम्मान की बढ़ोतरी भी होगी। अगर आपको सपने में अपने पिता के दर्शन सफेद वस्त्र में होते हैं तो आपको चाहिए कि लगातार 9 दिनों तक किसी नदी या तालाब के किनारे पके हुए चावलों के 11 लड्डू बनाकर कौवे को खिलाएं। अगर आपको अपने सपने में आपके स्वर्गीय पिता काले वस्त्र में दिखाई देते हैं तो इसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अत्यंत ही अशुभ माना गया है। ये सपना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई अनहोनी घटना, धोखा, छल कपट होने की अत्यंत संभावना है। ये इस बात का भी संकेत है कि भविष्य में आपको काफी अधिक कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से आपको काफी मानसिक और शारीरिक तनाव भी रहेगा। ये इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपका कोई आपका करीबी व्यक्ति आपके साथ छल कपट कर सकता है, जिसके कारण आपको धन और मान सम्मान की काफी हानि होगी, जिस वजह से आपको काफी मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस सपने को देखने के बाद आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमारे द्वारा नीचे दिए गए उपाय को करने से आपको भविष्य में ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और हर संकट से आप बचे रहेंगे। इसके लिए आप शनिवार के दिन हनुमान मंदिर या शनि मंदिर जाकर मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को दान करें। ऐसा करने से भविष्य में होने वाली अनिष्ट घटनाओं से छुटकारा मिलता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ये अत्यंत ही भावुक सपना होता है जब हम सपने में मरे हुए पिता को निराश और दुखी देखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये इस बात का संकेत है कि आपके पिता आपके आचरण और आपके जीवन शैली से अत्यंत दुखी हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने कर्मों में सुधार करें और सत्कर्म के रास्ते पर चलें। एक बात ध्यान रखें कि इस बात का आकलन आपको खुद करना होगा कि आपके पिता आपकी किस आदतों से दुखी हैं और कौन सी आदतें आपके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं।
उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के साथ छल कपट करके किसी का धन ले रहे हैं या किसी को झूठ बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे आपके पिता की आत्मा को दुख पहुंचे और वो आपको सपनों के द्वारा इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और जल्द से जल्द सही मार्ग पर आ जाएं, अन्यथा आपको जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसके उपाय के लिए आप 11 सोमवार व्रत रखें और 11 सोमवार शिव मंदिर जाकर शिव जी का कच्चे दूध से अभिषेक करें और अपने किए गए बुरे कर्मों और पापों के लिए उनसे क्षमा याचना करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।